और G20 वर्ल्ड कप 2022 में सुपर 12 मुकाबलों से पहले एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। क्वालिफाइंग मैचों में ही दो बार की चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। टूर्नामेंट से बाहर हो गई है वेस्ट इंडीज को। आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वही आयरलैंड ने सुपर 12 में अपनी जगह बना ली है। दो बार की चैंपियन टीम को बड़ा झटका लगा है। वेस्ट इंडीज की टीम को T20 वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफाइंग मैचों में आयरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। बता दें वही G20 वर्ल्ड कप के इतिहास में वेस्ट इंडीज की टीम पहली बार सुपर 12 के मुकाबलों से पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हुई थी। वही वेस्ट इंडीज की टीम ने साल 2022 और 2016 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था। वेस्ट इंडीज का इस टूर्नामेंट से बाहर होना क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ा झटका है। आयरलैंड ने दर्ज की थी एक तरफा जीत। आयरलैंड के खिलाफ खेला गया था मैच वेस्ट इंडीज के लिए करो या मरो जैसा था और इस मैच में वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सके और आयरलैंड की टीम ने इस टारगेट को 17.3 ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था और वेस्ट इंडीज को इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वही आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ब्रेंडन क्विंग ने इस मैच में 48 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 62 रनों की नाबाद पारी खेली थी, लेकिन यह पारी उनकी टीम के काम ना आई। वही आयरलैंड की ओर से गेरथे दलानी ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। उन्होंने वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोल्स पुरॉन, राउबेन पारवेल और एविन लुइस को अपना शिकार बनाया था।